अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हमने देखना है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, या आप यूँ कह लें इसके हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, और उसके बाद हम एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कुछ एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए ये किस तरह से यूजफुल होता है। इसके अलावा हम एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को इस लेक्चर में लिंक करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज के साथ कि किस तरह से एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बेस करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस वेयर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकग्नाइज वेन दे आर अर्न और इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। यानी एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली एक मेथड है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, रिकग्नाइज करते हैं जब वो अर्न या इनकर्ड होती हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। यानी हम ये नहीं देखते कि उस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट, उस रेवेन्यू के अगेंस्ट या उस एक्सपेंस के अगेंस्ट हमें कैश मिला है या नहीं मिला हुआ, हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो ये एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहलाती है। इन कंट्रास्ट टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग विच रिकग्नाइजेस ट्रांजेक्शन ओनली वेन कैश एक्सचेंजेस हैंड। इसके बिल्कुल एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अगेंस्ट बिल्कुल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस को रिकग्नाइज करते हैं जब हमें कैश मिले, या एक्सपेंसेस को हम रिकग्नाइज करते हैं जब हम कैश पे करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सैलरीज की एग्जाम्पल लें, सैलरीज एक हमारा एक्सपेंस होता है, और आप सैलरीज जनवरी की अगर हम बात करते हैं, जनवरी में सैलरीज एम्प्लाइज ने अर्न की हैं, तो हो सकता है आपने उनको पहले से यानी लास्ट मंथ दिसंबर में पेमेंट कर दी हो, जो कि एडवांस होती हैं, तो वो आपका एसेट कहलाएगा, करंट एसेट कहलाएगा, क्योंकि वो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। या बिल्कुल इसी तरह आपने सैलरीज की एग्जाम्पल दी है और आपने पूरा मंथ ऑफ दिसंबर या पूरा मंथ ऑफ जनवरी काम ले लिया है, पूरा मंथ ऑफ जनवरी एम्प्लाइज ने काम किया है, लेकिन पेमेंट आपने अभी नहीं की है, पेमेंट आपने फेब में करनी है। तो जब आपने पेमेंट फेब में करनी है तो एक्सपेंसेस को रिकग्नाइज कब करना है, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कब करना है, एक्चुअली वो जिस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो बिलोंग करते हैं आपके जनवरी से, तो हमने उसको जनवरी में ही रिकग्नाइज करना है। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर वन पे एक्यूरेट मैचिंग ऑफ रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। एक्यूरेट मैचिंग ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये प्रॉपर मैचिंग ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस अलाउ करती है। किस तरह? यानी कि जिस टाइम पीरियड से ये बिलोंग करते हैं, इन द पीरियड दे अर्न और इनकर्ड, सो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली अलाउ मैचिंग ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस रादर देन व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। तो असल में जिस महीने का या जिस टाइम पीरियड का रेवेन्यू होता है, एक्सपेंसेस को भी हम उससे मैच कर देते हैं। तो दूसरा जो हमारा एडवांटेज है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का, वो है टाइमली रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। टाइमली रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का मतलब है कि जैसे ही वो अकर होते हैं, हम उनको टाइमली, या आप कह लें मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन हम उनकी कर देते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पे। यानी जो आप कह लें कि एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो बिजनेसेस होते हैं वो टाइमली रिकग्नाइज कर लेते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को एज दे अकर। एडजस्टिंग एंट्रीज की मदद से फिर हम क्या करते हैं कि रेवेन्यू
और एक्सपेंसेस रेवेन्यू को हम रिकॉर्ड कर देते हैं कि जिस टाइम पीरियड में वो अकर्ड होते हैं, और एक्सपेंसेस को जिस टाइम पीरियड से वो रिलेटेड होते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा कि एडजस्टिंग एंट्रीज में हम एक्सपेंसेस को या रेवेन्यूज को, एक्सपेंसेस को हम बास टाइम एसेट्स या लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं, और रेवेन्यूज को बास टाइम हम अगेन एसेट्स या लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू किस तरह, अगर ये अनअर्न है तो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी, अगर अनरिकॉर्डेड और रिसीवेबल है रेवेन्यू तो वो आपका अकाउंट्स रिसीवेबल या आपका एसेट कहलाता है। तो टाइमली रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस एक वन ऑफ द फीचर है अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, यानी गैप है या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के तहत अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहते हैं, यानी कि जो गैप प्रिंसिपल्स है जनरली एक्सेप्टेड या IFRS है, इनके लिए मैंडेटरी होता है कि ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। और यानी कि ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं एक्रूअल प्रिंसिपल पे। सो एडजस्टिंग एंट्रीज जब हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड, तो फिर उसके बाद आप कह लें कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें बेसिकली एक ये कंसिस्टेंट रूल है, ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम गैप के रूल्स को फॉलो करें और IFRS के रूल को फॉलो करें। उसके बाद जो हमारा एक और एडवांटेज है अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अगर हम अपनी रिकॉर्डिंग और जर्नल एंट्रीज और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर हम अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तहत बनाते हैं, तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंसी रिफ्लेक्ट करती है। यानी कि उसमें कोई, हमने आप कह लें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होती है उसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिलायबल होती है। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड द लास्ट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली फैसिलिटेट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किस तरह से, कि हमारे पास बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स और पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, तो ये सारे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, क्योंकि वो एक्यूरेट होती है, क्योंकि वो फ्री ऑफ एनी मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, तो फिर ये इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करते हैं। यानी कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिसीजन जो लेते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं, और फिर वो यानी कि जो डिसीजंस होते हैं वो बेसिकली उसकी बेस पे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो रिस्क भी असेस कर सकते हैं, अपने स्ट्रेटेजिक प्लान्स भी बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो हमें ना सिर्फ एक्यूरेट मैचिंग ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस करता है, बल्कि टाइमली रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी बताता है। इसके अलावा क्योंकि एक वन ऑफ द बेसिक रूल है IFRS का और गैप का एक्रूअल अकाउंटिंग, सो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होता है। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होती है, वेल इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होती है, और इसकी मदद से फिर हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो ट्रू और फेयर पिक्चर बेसिकली डिपिक्ट कर रही होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक एंट्री की एग्जाम्पल है, एडजस्टिंग एंट्री की एग्जाम्पल है, मेंबरशिप ड्यूज अर्न इन दिसंबर 23 फॉर कलेक्शन रिसीव्ड इन जनवरी 23 अमाउंट टू 106। यानी कि मेंबरशिप ड्यूज जो अर्न किए हैं वो बेसिकली दिसंबर के मंथ में अर्न किए हैं, और कलेक्शन हमने कब रिसीव की थी, कलेक्शन हमने बिल्कुल साल के शुरू में ही रिसीव कर ली थी।
तो जब हमने कलेक्शन साल के शुरू में रिसीव की थी, यानी जनवरी में, उस वक्त हमने अर्न तो नहीं किया था। असल में वो अर्न कब हुआ है? वो दिसंबर में अर्न हुआ है। तो एट दैट टाइम, यानी जब जनवरी की बात हम कर रहे हैं, तो हमने उसको अनअर्न रिकॉर्ड किया था, कैश डेबिट करके अनअर्न क्रेडिट किया था, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी थी। लेकिन दिसंबर में जब आपने उसको अर्न कर लिया है, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? उसकी हम लायबिलिटी को खत्म कर देंगे। अनअर्न रेवेन्यू हम कर देंगे डेबिट बाय $106 से, और हम क्रेडिट क्या कर देंगे? क्योंकि दिसंबर में हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया है, तो रेवेन्यू अर्न हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे 106 से। ये हमने एंट्री बनाई है 31 दिसंबर को, यानी उस वक्त जनवरी में हमने जब ये पैसे रिसीव किए थे, तो ये हमने एडवांस में रिसीव किए थे। एडवांस रेवेन्यू इज योर लाइबिलिटी, एट दैट टाइम हमने उसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया था। अब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी लाइबिलिटी को कन्वर्ट कर दिया रेवेन्यू में, रेवेन्यू में रिकग्नाइज कर दिया, हमने मैच कर दिया। दिस इज मैचिंग प्रिंसिपल, दिस इज एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक और एग्जांपल है, द यूनिवर्सिटी गोल्फ टीम यूज फ्लोरिडा पाम्स फॉर अ टूर्नामेंट प्लेड ऑन December 38 फॉर द करंट ईयर। एट December 38 द 1800 owed by the team for golf fees had not yet been recorded or billed. आप देखें, आप यहाँ पे क्या बता रहा है कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर यूनिवर्सिटी की गोल्फ टीम ने फ्लोरिडा पाम का आप कह लें कि प्लेइंग एरिया यूज किया, या गोल्फ एरिया उनका यूज किया। तो अब यूनिवर्सिटी गोल्फ टीम ने 1800 देना है, लेकिन अभी तक दिए नहीं है ना। फ्लोरिडा पाम्प ने उनको बिल किया है, ना उन्होंने पैसे दिए हैं। तो इसकी सिंपल एंट्री हमारे पास क्या होगी कि हम पैसे मिलेंगे, तो अकाउंट्स रिसीवेबल्स हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि पैसे मिल जाएंगे। कितने से? 1800। और रेवेन्यू हम क्या करेंगे? रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो रेवेन्यू, या इस रेवेन्यू को यहाँ पे इसने गोल्फ फीस का नाम दिया है, तो गोल्फ फीस हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे 1800 से। यानी इसका मतलब है, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या कह रहे हैं? हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली अब यहाँ आप देख लीजिए, पैसे मिले नहीं है, कैश इन्वॉल्व नहीं है। सो दिस इज नॉट अ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड और पेड, ट्रांजेक्शन हम कब रिकॉर्ड करते हैं? जिस टाइम पीरियड से वो एक्चुअली बिलोंग करती है, यानी जिस टाइम पीरियड में वो अर्न होती है या इनकर्ड होती है। तो यहाँ रेवेन्यू अर्न हो रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, हालांकि कैश नहीं मिला, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड किया है। बिल्कुल इसी तरह एक और हमारे पास एग्जाम्पल है एक्सपेंसेस से रिलेटेड, जो कि अभी हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि सैलरीज अर्न बाय गोल्फ कोर्स एम्प्लॉई दैट हैव नॉट येट बीन रिकॉर्ड और पेड, अभी तक दिया नहीं है। अगर कैश बेसिस पे अकाउंटिंग होता, तो हम इसको कब लिखते? जब पेमेंट होती, चाहे जनवरी में, चाहे फेब में, चाहे मार्च में। लेकिन एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि एक्सपेंसेस जिस मंथ से बिलोंग करता है, या जिस एक्चुअली यानी कि जहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड और नॉट, जिस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, वहां रिकॉर्ड करे। तो हम क्या करेंगे? सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से डेबिट कर देंगे? 9600 से। और हम क्रेडिट क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे सैलरीज पेबल, क्रेडिट बाय 9600। अब आप गौर से अगर इसमें देखें, तो इसमें हमारे पास कैश नहीं जा रहा, बिकॉज दिस इज नॉट योर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो ये कहता है कि जब एक्सपेंसेस जिस टाइम पीरियड पे इनकर्ड हुए हो, उस वक्त हमने इसको रिकॉर्ड करना है। तो क्योंकि ये एक्सपेंसेस दिसंबर का था, तो एक्सपेंसेस हमने दिसंबर पे रिकॉर्ड कर लिया। अगर हमने कैश दिया होता, तो कैश क्रेडिट हो जाता, लेकिन अभी हमने कैश नहीं दिया। कैश हम जब भी देंगे, अभी फिलहाल हमारे पास क्या चीज क्रेडिट हो गई है? सैलरीज
पेबल क्रेडिट हो गया है। और बिल्कुल इसी तरह लास्ट हमारे पास एग्जांपल है, रेंटल रेंट एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इज 15,200, हाउएवर द रेंट एक्सपेंस फॉर द 6 मंथ हैज बीन पेड इन एडवांस, पहले से ही दे दिया था। तो जो रेंट पहले से दे दिया होता है वो आपका एडवांस रेंट, प्री पेड रेंट होता है, और वो आपका एक्सपेंस नहीं होता, वो आपका एसेट होता है। तो एट दैट टाइम हमने उसको रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था, बल्कि हमने क्या रिकॉर्ड किया था, उसको हमने रिकॉर्ड किया था प्री पेड रेंट या एडवांस रेंट। सो दिस इज अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि जिस वक्त का रेंट हो, जिस टाइम पीरियड का एक्सपेंस हो, उस टाइम पीरियड पे हमने उसको रिकॉर्ड करना है। तो अगर इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री ये होगी कि हमने रेंटल एक्सपेंस डेबिट कर देना है 15,200 से, और हमने क्रेडिट क्या कर देना है, हमने प्री पेड रेंटल क्रेडिट कर देना है 15,200 से, क्योंकि उस वक्त जब हमने ये 6 मंथ का रेंट एडवांस दिया था 6 महीने पहले, जो कि जुलाई बनता है, तो जुलाई में ये रेंट क्या हो जाएगा आपका, उस वक्त हमने इसको प्रीपेड रिकॉर्ड किया होगा। सो दिस इज अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअली अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमने क्या देखा, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमने ये डिस्कस किया कि हमने ट्रांजेक्शन्स को बेसिकली कब रिकॉर्ड करना है, हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉग्नाइज करना है व्हेन दे आर अर्न्ड और इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। हमने कैश नहीं देखना कि कब रिसीव हुआ है कब नहीं हुआ, कैश की बेसिस पे हमने एंट्री नहीं रिकॉर्ड करनी है, रिकॉग्नाइज करनी है, बल्कि एंट्री रिकॉग्नाइज करनी है ऑन द ट्रांजेक्शन्स एक्चुअली व्हेन ट्रांजेक्शन्स आर व्हेन रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर इनकर्ड और अर्न। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।